फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर रिक्रिएशंस। साबूदाना की खिचड़ी के लिए 1 कप साबूदाना लेंगे हम। साबूदाने को हम एक बाउल में ले लेंगे और इसको पानी की मदद से अच्छे से वॉश करेंगे जब तक कि इसका सारा का सारा वाइट स्टार्च ना निकल जाए। साबूदाने को वॉश करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे, फिर 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी घी में 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से भुनने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज का चॉप्ड आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें बाद में भी डालना है इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा कम डालेंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आलू को कवर कर देंगे 1 प्लेट की मदद से जब तक कि आलू हमारा पकना जाए। साबूदाने को भीगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसे आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया है, इसने सारा पानी सोख कर लिया है। हमें बिल्कुल इसी तरीके का फूला हुआ साबूदाना चाहिए खिचड़ी बनाने के लिए। आलू को कवर करे हुए 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम स्पून की हेल्प से देखेंगे कि हमारा आलू गल गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आलू गल गया है अच्छे से। अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसको मिक्स करने के बाद कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाया हैगा, अब हम इसको चेक करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी खिचड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें रोस्ट की हुई मूंगफली ऐड करेंगे। रोस्ट मूंगफली को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, अब इसको साबूदाने की खिचड़ी पर ऐड करेंगे। खिचड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।